लेकिन अगर जरा भी हया और शर्म बाकी है तो इस घर में कदम मत रखना तुम। चल जाओ यहां से। ये कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ घर चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मेरा घर यही है। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो मतलब चलो। मिस्टर भवानी शंकर, हाथ छोड़िए, छोड़िए हाथ। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा भवानी, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अनु और संजीव ने शादी कर ली है। भैया मैं सारी बात आपको बता दूंगा, उसके बाद ही आप फैसला लेना। नहीं, फैसला तो तुम लोगों ने ले लिया ना। समीर, समीर, तो आपके लिए जेठ जी। शादी की मुबारक। आप प्लीज रोइए मत। देखिए मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये सही नहीं है। समीर भैया जब सामने आएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और फिर भी आप मैं क्या करती सचिव, और क्या करती मैं? कितना समझाने की कोशिश की सबको कि मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। किसी ने मेरी बात नहीं समझी। कितना कितना समझाया था मैंने, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं वो, सिर्फ उस मकान को चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं वो। इसीलिए साक्षी की शादी रोहित भैया से कराना चाहते थे, इसीलिए राहुल को एक झूठे खून के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया, इसलिए समीर से वो गलत डील करवाई, जैसे तुम्हारे पापा मजबूर हो जाए और ये प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिल जाए। हो गए ना तुम्हारे पापा मजबूर, है उनके पास पैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए। संजीव आज ही मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा को सौंपने वाले हैं, जैसे उन्हें कुछ पैसे मिले। और मेरे पापा ये सब करने के बावजूद तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। संजीव मैं गई थी समीर के पास उसे समझाने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। संजीव उस घर की बेटी होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकती थी, हाँ लेकिन अगर मैं इस घर की बहू तो मैं खड़ी रह सकती हूं अपने पापा के खिलाफ ढाल बनकर इस घर को बचाने के लिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। संजीव आप सही कह रही हैं भाभी, तभी तो हमने ये झूठी शादी की है ना। बहुत प्यार करती हूँ मैं समीर से, नीचे मेरे गले में मंगलसूत्र है, माथे पर सिंदूर है, ये तुम्हारे भैया के नाम का है संजीव, और हमारा रिश्ता तो आज भी उतना ही पवित्र है जितना कल था। भाभी
संस्कार, चाय दे ना यार, चाय दे। हाँ हाँ, अरे माय गॉड। अब क्या हुआ? अरे होगा क्या, माय गॉड, सारी की सारी चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। हाँ, अरे देख, अब तक तो ये लड़की घर से बाहर थी, तो इसका जितना बस चलता था उतनी इस घर की रक्षा कर लेती थी भाई को। लेकिन अब यार, अब क्या? अरे अब तो घर में घुस आई है ना। अब तो ये लड़की घर में घुस आई है भाई को। अब तो देख, हम अगर जरा सा भी चाल इधर उधर करेंगे तो इसकी चौकन्नी निगाह में पकड़ लेंगे भाई को। अब क्या करें? आप कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हैं। क्या बात करती है? अरे थोड़ा सा विश्वास मुझ पे भी रखिए। आप जितने चतुर हैं उतनी चालाक मैं भी हूँ। देख लेना, जीजी के मन में इसके खिलाफ इतना जहर घोल दूंगी कि जीजी इसका जीना हराम कर देगी। कैसे? और वैसे भी घर वालों के मन में इसके खिलाफ जहर घोलना कोई मुश्किल बात नहीं है। अरे सारे के सारे इसके खिलाफ है। चाय पीते? चाय भी। My God. कितनी बेशरम इंसान हो तुम। हाँ, सारे घर वालों को दुखी करके या आराम से आकर बैठी हो? पहले इस घर की खुशियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, अब क्या इरादा है? हाँ, मम्मी पापा ने तो वैसे ही दुख के मारे अपने होठ सी लिए हैं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो यहाँ से बाहर, निकलो बाहर। नहीं रहने दूंगी मैं इसे यहाँ। नहीं रहने दूंगी भैया, छोड़ो, नहीं रहने दूंगी। संजीव, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक, अच्छे बनने की कोशिश मत करो। भैया तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इसके लिए? भैया आज आपने भाई बहन के रिश्तों को खत्म कर दिया। आज आपने जता दिया कि आपको रिश्तों की कोई कदर नहीं है। और तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, बहुत मजा आ रहा होगा ना इस तरह बिखरते हुए रिश्तों को देखकर। साक्षी जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से, जाओ। आप तो पहले से जानते थे ये सब होने वाला है। हाँ पता था, और ये भी जानती हूँ कि ये रोज रोज होगा। सिर्फ ये सोच रही हूँ कि ये लोग कब समझेंगे कि यहाँ मैं रिश्तों को तोड़ने नहीं, उन्हें जोड़ने आई हूँ। अब जल्दी सबको पता चल जाएगा कि आपकी मंशा क्या है। भगवान करे वो पल जल्दी आए। लेकिन सबसे पहले संजीव, हमें ये सोचना है कि हम राहुल को जेल से कैसे निकालेंगे जी, और समीर को कैसे बचाएंगे। संस्कार, संस्कार।
संस्कार, संस्कार। परवरिश में कहां वो कमी रह गई, जब किरदार में जो जमी रह गई। परवरिश में कहां वो कमी रह गई, जब किरदार में जो जमी रह गई। कितना वो नादान है, कितना वो नादान है, खुद से भी अनजान है। चारों तरफ मजदा मत रो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि तुम्हारा रोना जायज है, तुम्हारा टूटना तड़पना भी जायज है, क्योंकि आज तुम्हारे जवान बेटे की मौत हुई है। हाँ, मौत हुई है उसकी, जिसे 9 महीने तुमने अपनी कोख में रखा, जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतना लायक बनाया। वो आज आज वो अपनी भरपूर जवानी में तुम्हें छोड़कर चला गया। ऐसे मत कहिए। क्यों ना कहूं? ऐसे मत कहिए। क्यों ना कहूं? मैं भी ताप रहा हूं, रो रहा हूं। बात ये सबसे दुख की बात होती है, अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना, उसे शमशान में ले जाकर आग देना। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूं। आज मेरा जवान बेटा मर गया, आज मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका दाह संस्कार करूंगा, अपने दिल से, अपने घर से, अपने जवान बेटे का अस्तित्व मिटा दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं? Thank you.
We'll be right back.
जीवन का सिंगार संस्कार।